तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, आपको तो पता है कि आप एक ही वर्ड सुन के बोर हो चुके हैं और वो वर्ड है रिटर्न। और मैं खुद बोर हो चुका हूँ ये वर्ड बोलते बोलते। लेकिन फ्रेंड्स, रिटर्न तो इतने की वीडियो आती है कि मैं क्या कहूँ, इसके रिगार्डिंग इतनी न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 बिग रिटर्न जो कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है इसके नेम, तो सारी कुछ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। तो चलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिलेगा कल के मंडे नाइट रॉ में अंडरटेकर का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि अंडरटेकर की राइवलरी अभी जेस्टल के साथ चल रही है और रेसलमैनिया 36 में तो अभी कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है कि होगा या नहीं होगा ये तो कंफर्म ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि नेक्स्ट वीक वाले मंडे नाइट रॉ में हमें अंडरटेकर का और जेस्टल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा रेसलमैनिया 36 के लिए। तो आपको तो मालूम है कि ये रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस रिटर्न में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस बार फिर से वो ओसी की पिटाई हो जाए अंडरटेकर के द्वारा और उसके बाद फिर हमें इसमें एलिस्टर ब्लैक भी ऐड होते नजर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिटर्न हमें कल के मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकता है MVP का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि उससे पहले वाले वीक में हमें R-rated इसका रिटर्न देखने को मिलता है और MVP भी अपना रॉ में एक माइकल सेगमेंट देते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसे एस रिटर्न कर गए अपने इंजरी के बाद। तो आपको तो मालूम है कि इसमें एस के वाइफ के बारे में कुछ उठपटांग बोल देते हैं MVP भी और उसके बाद होता क्या है, एस एक स्पेयर देते हैं और उसको उनको इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मालूम हो कि अगर इंजर्ड कर दिए हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आके अपना बदला निकाल सकते हैं एस से और उसके बाद कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है गेम में कि MVP और रैंडी ऑर्टन दोनों मिलकर एस को मार सकते हैं या कुछ बदला भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर MVP की बात हो रही है तो हमें रिटर्न एस का भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिटर्न हमें एस का भी देखने को मिल सकता है कल के मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि आपको मालूम हो कि मैंने एक वीडियो में आपको तो हर वीडियो में मैंने बताया कि एस को पूरे एक साल में 8 अपीयरेंस देना है। तो पता नहीं WWE कैसे हैंडल करेगी उनको, क्योंकि अभी तो 3-4 अपीयरेंस तो उनका हो ही गया, तो लेफ्ट 4 अपीयरेंस उनका बाकी है WWE में। लेकिन उनका भी अपीयरेंस हमें देखने को मिला क्योंकि रूमर्स चल रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें R-rated एस का भी रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखिए WWE इनको कैसे बुक कर दिया रैंडी ऑर्टन के सामने। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिलेगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी ऑफिशियली ट्विटर पर ट्वीट करके कहा था कि वो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में आएंगे, यानी कि हम नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मे बी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी हमें रिटर्न देखने को मिलेगा और वो कुछ वर्चुअल तरीका से उनकी इंटरेस्ट होगी, या तो वो अंडरटेकर में के सेगमेंट में आके अपना कुछ टांग अड़ा सकते हैं, नहीं तो कुछ अपना माइक का सेगमेंट देंगे और वो चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े बड़े हमें सेगमेंट देखने को मिलेंगे और वो भी नो ऑडियंस के सामने, तो कितना ऑड लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज आई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और हाँ फ्रेंड्स, रॉ के रिगार्डिंग ये भी न्यूज आई है कि WWE इस बार कुछ अलग तरीका से प्लान कर रही है रॉ को विदाउट नो ऑडियंस को, इसमें कुछ चैंट लग सकते हैं। कैसे बताऊँ आपको फ्रेंड्स, कि फैंस तो रहेंगे नहीं लेकिन चैंट लगेगा फ्रेंड्स, कुछ पाइप करके आई है न्यूज़ फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है कल का मंडे नाइट रॉ। मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए। आप हैं या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट पर लिख के जरूर से जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।